Hi everyone, welcome back to Study IQ channel. In our UPSC mains answer writing practice of GS2 paper, आज हम पॉवर्टी एंड हंगर के बारे में बात करेंगे. नाउ पॉवर्टी एंड हंगर अगेन वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से आता है, पर आज पर्टिकुलरली हम सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे पॉवर्टी ऑफ हंगर में. इसका मेन रीजन क्या है, एंड दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड. इफ देर इज फूड अवेलेबल फॉर यू, आपको खाने के लिए जब भी आपको भूख लगे, आपको न्यूट्रिशियस फूड मिल जाए, तो वुड यू बी हंगरी, आप नहीं होंगे. एंड वुड यू बी पुअर ऑल्सो. शायद लाइक पॉवर्टी और हंगर दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साथ में चलते हैं. सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट. तो इसी पे बात करते हैं. मेरा नाम संतोष है. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_ बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं. इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना. क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक है यहाँ पे. हाउ फार डू यू अग्री विद द व्यू दैट द फोकस ऑन लेक और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, दिस इज की टर्म, एज द मेन कॉज ऑफ द हंगर टेक्स द अटेंशन अवे फ्रॉम इन इफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इंडिया. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है. देखो, पूछ रहा है आप कि क्या आप इस बात से कितना सहमत करते हैं कि जो फोकस है कि फूड अवेलेबल नहीं है या फूड की कमी है, ये किसी भी हंगर का मेन कॉज है. ये चीज जो इनइफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट है उन सारी पॉलिसीज से अटेंशन लेके चला जाता है, इट टेक्स द अटेंशन अवे. बात कर रहा है कि अगर लेक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की वजह से, लेक और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की वजह से भूखमरी होती है, से अगर हंगर होती है विच इज़ द मेन कॉज फॉर द हंगर, तो बाकी जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज हम चलाते हैं वो क्यों इन इफेक्टिव हो रही है, उन सारी बातों से ध्यान हटा के इस एक बात पे लेके आ जाती है. दैट इज़ द क्वेश्चन विच इज़ आस्किंग. बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो इसमें कंटेंट का भी आपको कंटेंट पता है, बट हमको इसको फ्रेम करना है बहुत ही स्मार्टली. सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हमारे यहाँ पे हम हंगर को, या फिर जो फूड सिक्योरिटी, ये बात फूड सिक्योरिटी की हो रही है, दिस इज़ अबाउट फूड सिक्योरिटी. तो हम बताएंगे कि भाई फूड सिक्योरिटी होता क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड टू ऑल एट ऑल द टाइम एट द अफोर्डेबल प्राइजेस, वो होता है फूड सिक्योरिटी. तो फूड सिक्योरिटी बोलेंगे. फिर हम आएंगे लेक और अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड पे, क्यों हो सकती है, क्या रीज़न है. दो चीज़ें होती है, डिमांड एंड सप्लाई. अगर सप्लाई कम है, जब जिसका मतलब हुआ कि आपका फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है, फूड आपको जितना पॉपुलेशन डिमांड कर रही है उतना फूड अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम इन सप्लाई, आपकी सप्लाई कम है. दूसरा है डिमांड, और इन दोनों के बीच में लिंक करता है इसको ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आप कैसे इसको डिलीवर करते हो, डिलीवरी सिस्टम. तो प्रॉब्लम डिलीवरी सिस्टम के अंदर भी हो सकती है कि हमने फूड के बड़े बड़े हमने गोदान बना के रखे हैं जहाँ पे जो अनाज है वो प्रोबेबली सड़ रहा है, रेदर देन गोइंग इन टू द होम ऑफ द पुअर पीपल, राइट. दो बात हो गई. तीसरा ये भी हो सकता है कि सप्लाई के साथ डिमांड जो है वो सही नहीं है, और सही नहीं होने का बात है कि जहाँ पे फूड का अवेलेबिलिटी होना चाहिए वहाँ पे हो नहीं रहा है, राइट. क्योंकि इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव एरर आ रही है. कुछ लोगों को BPL का कार्ड नहीं मिला हुआ है, कुछ किसी वजह से पहले BPL में नहीं थे लेकिन अभी BPL में आ गए हैं, तो इस वजह से इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव दोनों एरर आ रही है. इसकी वजह से भी उनको अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड नहीं हो रहा है, एंड इनके हिसाब से कि हंगर का ये मेन कॉज है. तो हम लिखेंगे कि हाँ, बात आपकी सही है, लेक और अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड है, लेकिन फिर इसके साथ आता है एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिशनल फूड ऑल्सो. हंगर के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन को भी करेंगे. फिर हम बात करेंगे कि कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी इनइफेक्टिव सिर्फ इस वजह से नहीं होती है कि खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है. देर आर सर्टन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, तो हम उन सर्टन अदर एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे. तो इस बारे में पूरा कंटेंट होगा हमारा. लेट्स सी द कंटेंट. तो राइट टू फूड जो है, ये ना सिर्फ हमारा
फंडामेंटल राइट है, बल्कि इट इज़ योर ह्यूमन राइट ऑल्सो। इट इज़ अ वेरी वेल स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ का। इसमें इट हैज़ इवॉल्व्ड एज एन ऑब्लिगेशन कि जो भी इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ की पार्टीज हैं उन पे ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और सिटीजन्स का राइट टू फूड सिक्योरिटी को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे फोकस है हमारा राइट टू फूड सिक्योरिटी। राइट टू फूड सिक्योरिटी के साथ ही दोनों चीज़ें आएगी, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन। आपको बेग नहीं करना है, आपको कहीं से कूड़े से उठा के खाना नहीं खाना है, दैट इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल, दैट इज़ नॉट द प्रोटेक्शन द गवर्नमेंट इज गिविंग यू। राइट टू फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि आपको हर एक सिचुएशन के अंदर खाने की अवेलेबिलिटी मिलेगी। हमारी कंट्री के अंदर जनरली फूड पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे जो फोकस रहता है यही मेन रीज़न बताया जाता है हंगर का। तो हम लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बाकी एस्पेक्ट्स भी होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड जनरेशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी, तो इसमें सिर्फ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फूड ही बात नहीं है, हमको स्टेबिलिटी अमंग द अदर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी बात करना पड़ेगा। दैट मीन्स इट इज़ अ मल्टीलैटरल प्रॉब्लम। सिर्फ एक हमने बोल दिया कि खाने की लेक है या खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, दैट इज़ नॉट दी ओनली इश्यू वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ दी एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो, अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो, स्टेबिलिटी ऑल्सो, ऑल द टाइम आई एम सेइंग 24/7 अफोर्डेबल होना चाहिए। तो एस्पेक्ट और भी हैं इसके। करंट अंडरस्टैंडिंग के अंदर अगर हम फूड सिक्योरिटी को समझने की बात करें तो उसके जनरली चार डायमेंशंस होते हैं कि आप एक्सेस कर पा रहे हो या नहीं, मतलब आपकी रीच में है या नहीं। मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर अगर राशन की दुकान है तो मैं हर दिन हर वीक में 50 किलोमीटर चल के राशन की दुकान से राशन नहीं ला सकती, मेरी एक्सेस में नहीं है, मेरी अप्रोच में नहीं है। अवेलेबिलिटी, क्या मेरे को अवेलेबल है फूड? राशन की दुकान तो है लेकिन उसके अंदर चावल है तो उसमें गेहूं नहीं है, तेल नहीं है, मतलब कहने का है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। देन यूटिलाइजेशन, कि मेरे को ऐसा नहीं है कि जो मेरे को खाना दिया उसको मैंने खाने के बजाय, जो मेरे को अनाज मिला है उसको खाने के बजाय या मेरी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उसको बेच के मैंने दारू पी ली उसकी, तो दैट इज़ द यूटिलाइजेशन। या फिर ऐसा तो नहीं है कि जो अनाज जो ग्रेन होल्डर्स होते हैं जो ब्लैक मार्केट में काम करते हैं वो सब अनाज को खरीद के उसको ब्लैक मार्केट में होल्ड कर रही हूँ, क्या उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है? देन कम्स दी स्टेबिलिटी ऑल्सो। स्टेबिलिटी कैसे होगा कि आपको 24/7, चाहे आज अकाल आ गया हो या चाहे आज बहुत ज़्यादा हो गया, हमने एक्सपोर्ट कम ज़्यादा कर दिया हो, लेकिन मेरे को कंटिन्यूस स्टेबिलिटी ऑफ द फूड जो होना चाहिए, मेरे को फूड सिक्योरिटी ऑल द टाइम होना चाहिए। दैट इज़ द फोर डायमेंशंस व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड सिक्योरिटी। जैसे हम यूनियन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के स्टेट पार्टी हैं एंड वी आर ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इंडिया का ये ऑब्लिगेशन है टू एंश्योर दैट सबको फ्री फ्रॉम राइट टू फ्री फ्रॉम हंगर और राइट टू एडिक्वेट फूड हो, दिस इज़ दी ऑब्लिगेशन इंडिया हैज़। इसको प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट टू बी फ्री फ्रॉम हंगर एंड राइट टू एडिक्वेट फूड, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर ब्रॉडली बात करें तो इंडिया का फूड सिक्योरिटी को लेके जो एटीट्यूड है ये जनरली दो जनरेशन में डिवाइडेड है सबसिक्वेंट टू इंडिपेंडेंस, एंड इट ऑल्सो इंडिकेट कि कितना ज़रूरी है कि फूड सिक्योरिटी में जो बाकी एलिमेंट्स भी हैं उनको अल्टर करा जाए, सिर्फ एक चीज़ पे ना दिया जाए कि खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है। अवेलेबिलिटी के अलावा भी 100 चीज़ें हैं कि आप डाइवर्सिटी ऑफ फूड दे रहे हो या नहीं, आप न्यूट्रिशनल फूड दे रहे हो या नहीं। ओवर द ईयर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के लिए थोड़ा ट्रिबुलेंस था, आपको पता है कि बंगाल फेमाइन आया था, फिर वहाँ पर फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई थी और हमको USA ने एक्सपोर्ट करने से भी मना कर दिया था। देन वी बॉट द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हंगर हैज़ बीन ऑलवेज दिस आइडिया कमिंग फ्रॉम कि हमारे पास इन एडिक्वेट फूड प्रोडक्शन है, विच वॉज ट्रू, विच वॉज वेरी ट्रू इन द अर्ली टाइम्स, बट थ्रू द टाइम ये बात चेंज हो गई है। अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट है, राइस है, बाजरा है, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड में कोई कमी नहीं है। अब बात आती है डिलीवरी की कि मेरे को एक्सेस कितना है, अफोर्डेबल है, क्या ये मेरे को 365 डेज अवेलेबल है या नहीं है। नाउ देर आर अदर एस्पेक्ट्स। 1974 के अंदर जो वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्होंने फूड सिक्योरिटी को बहुत ही सिंपल टर्म में इसको डिफाइन करा था। ऐसी डेफिनेशन याद रखो जिसको इंट्रोडक्शन में लिखने में काम आता है। क्या लिखा? अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स, अवेलेबल होना चाहिए सभी समय पे, ऑफ एडिक्वेट वर्ल्ड फूड सप्लाई, जो जरूरत की खाने की चीज़ें होती है उन सब की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ऑल द
टाइम, दो इट इज़ वेरी आर्ग्यूएबल कि हमने जो फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं और उसी ने हमारे की हमारे लोगों में भुखमरी कम हो, खाने की सारी अवेलेबिलिटी हो, तभी हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे ताकि हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, और फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी हमारे पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो फुलफिल होगी। वाइल जो प्रोग्राम था ग्रीन रेवोल्यूशन, इसने व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन में इंडिया को लीडिंग नंबर पे लेके आ गए। अब तो हमको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। पर नेगेटिव साइड में उसके बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी थे। 1980s और 1990s के अंदर जब थोड़ा और आगे निकले, अभी हमारे पास फूड सिक्योरिटी, हमारे पास फूड अवेलेबिलिटी हो गया है, तो इंडिया का फोकस हुआ इंक्रीजिंग द फूड सप्लाईज कि ये जो लंबे समय तक जो हंगर चला आ रहा है इसको कैसे ख़त्म करना है, इसके लिए हमने फूड सप्लाईज को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करा। 1996 के अंदर वर्ल्ड फूड समिट का एक और कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो यहाँ पे भी इन्होंने फूड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मिरर करा था इंटरनेशनल लेवल पे कि कितनी बड़ी समस्या है हंगर की, और इन्होंने फूड सिक्योरिटी के लिए डेफिनेशन दिया था विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वाज गिवन इन 1974। तो इन्होंने भी यही बोला कि व्हेन ऑल द पीपल, जब सभी लोगों को सभी टाइम पे फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस हो सफिशिएंट सेफ और न्यूट्रिशियस फूड का, वो होती है हमारी फूड सिक्योरिटी। आपको मुझे हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को सभी टाइम पे, दिन को रात को 365 दिन, सैटरडे मंडे संडे एवरी डे, फिजिकल मतलब मैं यहाँ से 5 किलोमीटर वॉक करके खाना लेके आ सकती हूँ, एंड इकोनॉमिक की मेरी पॉकेट में अगर 5 रुपये है तो उन 5 रुपये से भी मेरे को अनाज मिलेगा, मेरे को एक्सेसिबिलिटी है टू सफिशियंट जो मेरे और मेरे घर वालों के लिए सफिशियंट हो, सेफ हो, ख़राब ना हो और न्यूट्रिशियस फूड हो, इस चीज़ की अवेलेबिलिटी अगर मुझे है देन दैट इज़ द फूड सिक्योरिटी। और इंडिया ने फूड सिक्योरिटी को ही फुलफिल करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लेके आया था। देर आर उसमें स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन के लिए न्यूट्रिशनल स्कीम की स्पेशल अटेंशन भी दी गई थी। इनमें 14.5% पॉपुलेशन आज भी अंडर न्यूरिशमेंट की है, ये यूएन का असेसमेंट है 2014-15 का, और लगभग 50% ऑफ द वुमेन एनेमिक है, विच का मतलब है कि उनमें खून की कमी है। तो 2013 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, इट वाज लाउडेड फॉर गारंटिंग कि हमको एक राइट टू फूड मिलेगा सारे इंडियंस को, लेकिन उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, जैसे कि इन्होंने यूनिवर्सल फूड राइट टू फूड ग्रांट नहीं करा है सबसे पहले, तो दूसरा इन्होंने लिमिटेड दिया है विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल होते हो, अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपको ये फूड राइट मिलेगा, देन इट बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन क्राइटेरियाज इज रिस्ट्रिक्ट 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 75 इंडियन पॉपुलेशन इस क्राइटेरिया से बाहर निकल जाती है। एंड इट ऑल्सो स्पेसिफाई दैट अ क्लेम, अगर आप इस एक्ट के अंडर क्लेम बनाते हो जो इन टाइम्स में अवेलेबल नहीं होगा, कौन से टाइम में, वॉर, फ्लड, ड्रॉट, फायर, साइक्लोन एंड अर्थक्वेक, मतलब आप बोल रहे हो कि जब कोई आपदा आ जाएगी तो हमारा राइट टू फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा। दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड द फूड सिक्योरिटी द मोस्ट, लेकिन अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर राइट टू फूड सिक्योरिटी के क्लेम को हटा लिया जाए देन फ्रॉम वेयर वी विल गेट द राइट टू फूड सिक्योरिटी। और दूसरी प्रॉब्लमेटिक चीज ये भी है कि दे आर वेरी प्रोग्रेसिवली दैट दे आर नॉट, उनके जो ऑब्जेक्टिव है ना वो जैसे डायनेमिक है टाइम, वैसे प्रोग्रेसिवली रियलाइज्ड नहीं करे गए हैं। ऐसे प्रोविजन जैसे अग्रेरियन रिफॉर्म हो गया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना यील्ड एंड प्रोडक्शन बढ़ाएं एग्रीकल्चर में, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो दैट सो दैट जो न्यूट्रिशन या जो फूड हम खा रहे हैं हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्व करने के कैपेबल हो, अगर अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं या फिर अगर बच्चे में किसी न्यूट्रिशंस की कमी होती है तो जो फूड या जो न्यूट्रिशंस को खा रहे हैं आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाती है। जैसे वेरी सिंपल विटामिन डी के बारे में बोला जाता है कि अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो जो न्यूट्रिशंस आप खाते हो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्व नहीं करती है। सो वी नीड पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑल्सो, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट चाहिए हमको, लेकिन इस एक्ट में इस चीज का कोई मेंशन नहीं करा गया है, और सिंपली ये चीज अज्यूम कर ली गई है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और वो फूड सिक्योरिटी को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लिया है। हम जब हम NFC नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इश्यूज को एड्रेस करते हैं, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी हो, या टेंजिबिलिटी या यूटिलाइजेशन के अंदर हो, ये लार्जली साइलेंट है, इसमें कहीं भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देगा। और जब हमने 4 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी की बात करी थी तो उसमें स्टेबिलिटी हमारा एक डायमेंशन था, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी स्टेबिलिटी। और यहाँ पे बहुत क्लियरली ये बात भी बोल दी है कि वॉर, फ्लड, ड्रॉट या फायर, साइक्लोन या अर्थक्वेक के अंदर राइट टू फूड सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगा, तो फिर स्टेबिलिटी कहाँ से आया।
एक बहुत बड़ा इंडिया का जो वनरेबल ग्रुप है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के अंडर, या फिर जो फूड सिक्योरिटी की थ्रेट है जो क्लाइमेट चेंज के नाम से आ रही है हमारी, उनके अंडर आता है, और उनको स्टेबिलिटी ऑफ द फूड अवेलेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट के और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। जैसे आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा एजुकेशन, उसमें आपको मिलेगा हेल्थ, उसमें आपको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बाकी चीज़ें हैं, सिर्फ फूड सिक्योरिटी से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जब हम बात करते हैं, जब जो एम्फेसाइज करता है कि लोग या उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, दे शुड बी दी अल्टीमेट क्राइटेरिया, उनकी कैपेबिलिटीज़ एक अल्टीमेट क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को एक्सेस करने के लिए, ना सिर्फ उसका जीडीपी कितना ग्रोथ हुआ है। तो ये बात करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पर रखने का, ना कि हमारी जीडीपी या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रायोरिटी पर रखने का। तीन बेसिक डायमेंशन्स है ह्यूमन डेवलपमेंट में। जब हम बात करते हैं कि आप एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी रहे हो, क्या आपको एक्सेस टू नॉलेज, विच इज़ लाइक यू आर गोइंग टू स्कूल, आर यू लिटरेट, आर यू एजुकेटेड, एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, ये तीन चीज़ें मानी जाती है, तब ह्यूमन डेवलपमेंट का एस्पेक्ट पूरा होता है। और जो हम बात कर रहे हैं कि लेक या अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड सिक्योरिटी, दैट इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का, सिर्फ एक एस्पेक्ट है ये। इंडिया की रैंकिंग धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन फिर भी अभी हम 131 रैंक पे आते हैं आउट ऑफ 189 कंट्रीज, जो बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। तो इसमें जो इंटरवेंशन है कि हमको एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज एड्रेस करने हैं, हमको लाइवलीहुड से रिलेटेड इश्यूज एड्रेस करने हैं, और इसमें फिर आता है थर्ड जनरेशन फूड सिक्योरिटी लॉज। तो देर इज़ अभी अभी बिल्कुल ये समय आ गया है कि हम थर्ड जनरेशन फूड सिक्योरिटी लॉज के बारे में बात करें। वी रिकॉग्नाइज देम, वी मेन स्ट्रीम द इश्यूज, इंक्लूडिंग कि नेचुरल डिजास्टर इंक्रीज हो रहे हैं, हमको क्लाइमेट चेंज की वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनका अडेप्शन करना। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है जो इस चैलेंज, जो ये कंट्री फूड सिक्योरिटी का ये पर्टिकुलर पोर्शन का चैलेंज फेस कर रही है, इसके बहुत सारी डायमेंशंस को एड्रेस करा जाए, कि सिर्फ फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से फूड सिक्योरिटी नहीं आएगा। एंड वी नीड टू कोऑर्डिनेट ऑल दीज एस्पेक्ट्स टुगेदर। तो फूड सिक्योरिटी इट ब्रिंग्स टुगेदर डाइवर्स इश्यूज, जैसे कि इनइक्वालिटी कितनी है, फूड डाइवर्सिटी है या नहीं, इंडिजीनियस राइट एंड एनवायरमेंटल जस्टिस, दीज आर द एस्पेक्ट्स विच कम अलोंग विद द फूड सिक्योरिटी। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लेक और अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, इट इज़ वे मोर देन दैट। यू नीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यू नीड अ गुड एजुकेशन, यू नीड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेबिलिटी ऑफ द फूड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द राइट टू फूड सिक्योरिटी इन एनी एस्पेक्ट, चाहे वो वॉर हो, अर्थक्वेक हो, साइक्लोन हो, कुछ भी हो, बट यू हैव, यू शुड हैव द राइट टू फूड ऑल द टाइम। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। ऑल्सो आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। अगर आप हमसे बहुत नए जुड़े हैं तो लेट मी टेल यू कि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे लिखना, तब तक कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी। अभी प्रिलिम्स की तैयारी में, एकदम फुल फ्लेज्ड तैयारी में थोड़ा सा टाइम है, कम से कम हर दिन का एक क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करो। इस बार मेंस और प्रिलिम्स के बीच में गैप भी काफ़ी कम है, तो आपको ऐसा ना हो कि कम समय मिले, इसलिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सो दिस इज इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।